नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं, इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कमिश्नर सर्वे और हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई को चलने दें। शुक्रवार को शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को मेंशन करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वो महेश नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो बनाने के बाद ललित ने उसे इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक एनजीओ को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंच सके। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया था। वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी ले गया था, जिसे उसने जला दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद ललित बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वो एक दोस्त के साथ बस से वापस दिल्ली आ गया। यहां उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर MS धोनी द्वारा दायर अवमानना याचिका में IPS अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस SS सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने हालांकि संपत कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। धोनी ने दलील दी कि IPS अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जो न्यायिक प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को हिलाने में सक्षम है। इस प्रकार ये आपराधिक अवमानना है। संपत कुमार ने कथित तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुदगल समिति यानी कि 2013 IPL में मैच फिक्सिंग की स्वतंत्र जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सीलबंद कवर में रखने का फैसला किया और विशेष जांच दल को इसे प्रदान नहीं किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को विचाराधीन कैदियों को विभिन्न चरणों में उचित अदालतों के समक्ष पेश न करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस भारती डांगरे जालसाजी मामले के आरोपी त्रिभुवन सिंह रघुनाथ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 23 तारीख पर या तो भौतिक रूप से या VC के माध्यम से पेश नहीं किया गया था। अदालत ने कहा, जहां तक आवेदक का सवाल है, 2023 की जमानत आवेदन नंबर 1836 का निपटारा किया जाता है। हालांकि चूंकि मेरे द्वारा एमिकस क्यूरी की नियुक्ति द्वारा पारित आदेश विभिन्न चरणों में उपयुक्त अदालतों के समक्ष विचाराधीन कैदियों को पेश करने के बड़े मुद्दे से संबंधित है, इसलिए आवेदन को अब स्वतः संज्ञान आवेदन का शीर्षक दिया जाता है और रजिस्ट्री उसे उसी के लिए एक नया नंबर आवंटित करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मोटर दुर्घटना के मुआवजे के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के वेतन की गणना करते समय बकाया राशि पर विचार नहीं किया जा सकता। जस्टिस शिवकुमार डीगे ने दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा बढ़ाने को बरकरार रखते हुए मासिक आय की गणना करते समय उसके वेतन पर्ची में उल्लिखित बकाया राशि की कटौती की। अदालत ने कहा, ये वेतन पर्ची 8,900 रुपए का बकाया दर्शाती है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस राशि को मृतक का वेतन माना है। मेरी राय में अरियर को वेतन नहीं माना जा सकता, इसलिए मैं ये राशि मृतक के वेतन से काट रहा हूँ। अदालत घातक दुर्घटना मामले में मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के मुआवजे के खिलाफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।